हेलो फ्रेंड्स, संगीतास वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जबरदस्त बढ़िया टेस्टी चीज़ कॉर्न बोल बनाएंगे। तो चीज़ कॉर्न बोल बनाने के लिए यहाँ पे हम 4 मीडियम साइज का आलू को बॉईल करने के लिए रख देते हैं। तो ये आलू को हम बीच में कट लगा के एक आलू का दो भाग करेंगे ताकि फटाफट आलू बॉईल हो जाए। 4 मीडियम साइज का आलू हम कुकर में डाल के उसमें पौना ग्लास जितना पानी डाल के आलू को बॉईल करने के लिए रख देते हैं। तो ये साइड हमारा आलू बॉईल हो रहा है ना, तब तक हम चीज का क्यूब्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अमूल चीज लिया है। अमूल चीज से है ना चीज कॉर्न बॉल ज्यादा टेस्टी बनता है। तो ये क्यूब्स में से हम छोटी छोटी साइज का क्यूब्स बना लेते हैं ताकि हमको बॉल्स में रखने में इजी रहे। तो इस तरह से मैंने क्यूब्स बना लिया है। तो यहाँ पे हमारा क्यूब्स रेडी है और दूसरी साइड हमारा आलू भी बॉईल हो चुका है। आप देख सकते हो। तो चलिए हम कौन चीज बॉल्स का मसाला बना लेते हैं। तो 2 टेबल स्पून जितना हम तेल डालेंगे। तेल गरम हो जाए उसके बाद हम उसमें 1/2 टीस्पून जितना ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे। उसके बाद कट किया हुआ हरी मिर्ची। तो ये बॉल्स में थोड़ा सा स्पाइसी बनाने वाली हूँ इसलिए मैंने जो स्पाइसी वाली मिर्ची आती है ना वो लिया है। उसके बाद 1 कप मैंने लिया है कॉर्न। तो कॉर्न मैंने फ्रोजन यूज किया है। कॉर्न को थोड़ी देर सोते करेंगे। तो फ्रोजन कॉर्न है ना तो उसको पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर फ्रेश वाला कॉर्न यूज कर रहे हैं ना तो अच्छे से पकने के लिए रख दीजिए। उसके बाद में स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ। तो आप देख सकते हो कॉर्न अच्छे से गल चुका है, मतलब हमारा कॉर्न अच्छे से पक चुका है। तो हम बॉईल किया हुआ 4 मीडियम साइज का आलू डाल देते हैं। उसके बाद हम ऊपर से डालेंगे आमचूर पाउडर खटाश के लिए। मैं नींबू नहीं डाल रही हूँ, अच्छे से मैश कर लेते हैं। उसके बाद हम उसमें डालेंगे ब्रेड क्रम्स। तो अराउंड में 1/2 कप जितना ब्रेड क्रम्स डाल रही हूँ। अच्छे से मसाला को मिक्स कर लेंगे, मतलब आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे। और ये मसाला को यहाँ पे हम टेस्ट भी कर लेते हैं। अगर उसमें आमचूर पाउडर या नमक कम लगे तो ऐड कर सकते हैं। नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं नमक एंड ब्लैक पेपर पाउडर ऊपर से थोड़ा सा डाल रही हूँ। जबरदस्त बढ़िया स्पाइसी वाला मसाला बन के रेडी हो चुका है। तो मसाला को हम इस ऊपर से नीचे ले लेते हैं और थोड़ी देर हम ये मसाला को ठंडा कर लेते हैं। ठंडा हो जाए ना उसके बाद हम बॉल्स बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा आलू का मसाला ठंडा हो चुका है। तो चलिए हम चीज कॉर्न बॉल्स बना लेते हैं। तो इस तरह से हम पूरी की तरह शेप दे देंगे। उसके बाद बीच में हम चीज का क्यूब्स रख देंगे। इस तरह से क्यूब्स रख के उसके ऊपर हम फिर से दूसरी पूरी बना के रख देंगे ताकि बॉल्स बनाने में एकदम इजी रहे। तो चीज कॉर्न बॉल्स अगर आपको बड़ी साइज में बनाना है तो मसाला ज्यादा यूज करें, और छोटी साइज का बनाना है तो आप मसाला कम यूज करें। आप अपना हिसाब से बॉल्स बना सकते हो।
तो इस तरह से मैं दूसरा बॉल्स बना के रेडी कर लूंगी। तो लीजिए, यहाँ पे हमने जितना मसाला बनाया था ना, उसमें से हमने उतना बॉल्स बना के रेडी कर लिया है। उसके बाद हम ये बॉल्स के ऊपर कोटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है। उसके बाद हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, 1/2 टीस्पून जितना ब्लैक पेपर पाउडर। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के थोड़ा सा गाढ़ा जैसा बैटर रेडी करेंगे, ताकि उसके ऊपर हम अच्छे से ब्रेड क्रम्स को कवर कर सके। गाढ़ा जैसा बैटर बन के रेडी हो चुका है। अब देख सकते हो इस तरह से गोल रेडी कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने दिया है ब्रेड क्रम्स लिया है। तो सबसे पहले हम एक चीज कॉर्न बॉल्स लेके मैदा का घोल में डिप करेंगे। अच्छे से डिप करके ये बॉल्स हम ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे। उसके बाद अच्छे से ब्रेड क्रम्स से कवर कर देंगे। आप देख सकते हो एकदम इजी से हो जाता है। तो इस तरह से हम दूसरा बॉल्स के ऊपर भी मैदा का घोल एंड ब्रेड क्रम्स से अच्छे से कवर कर देंगे। तो लीजिए, यहाँ पे हमारा चीज कॉर्न बॉल्स बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए हम ये बॉल्स को फ्राई करेंगे। तो दूसरी साइड मैंने तेल भी गरम करने के लिए रख दिया है। तो चलिए हम ये बॉल्स को फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम मैंने हाई रखा है। हाई फ्लेम पर हम बॉल्स को फ्राई करेंगे। उसके बाद हम बीच में गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे, ताकि बीच में हमने जो चीज डाला है ना, वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो ये चीज कॉर्न बॉल्स है ना, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। जिसको अमूल चीज पसंद है ना, उसको ज्यादा टेस्टी लगेगा। तो क्रिस्पी करारा बॉल्स ना हो जाए तब तक हम बॉल्स को फ्राई करेंगे। तो लीजिए, यहाँ पे हमारा चीज कॉर्न बॉल्स क्रिस्पी करारा बन गया है, आप देख सकते हो। तो इस तरह से हम दूसरा बॉल्स को भी फ्राई करके रेडी कर लेंगे। तो जितना हमने चीज कॉर्न बॉल्स बनाया था ना, उतना हमने फ्राई कर लिया है। तो गरमा गरम हमारा देखते ही मुंह में पानी आ जाए, इसे जबरदस्त बढ़िया चीज कॉर्न बॉल बन के रेडी हो चुका है। तो एक बॉल्स को हम कट करके देख लेंगे, ताकि हमको पता चले कि बीच में चीज मेल्ट हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हो चीज हमारा परफेक्ट मेल्ट हो चुका है। और ये बॉल्स आप कोई भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हो, मतलब टोमेटो केचप या हरी चटनी, आपको जो पसंद है उसके साथ सर्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड ये रेसिपी आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।